हेलो दोस्तों, मैं हूं सुषमा और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑनियन यानी प्याज के उपयोग और उससे होने वाले कुछ सुने अनसुने फायदों के बारे में। प्याज का नाम सुनते ही किसी के मुंह में पानी तो किसी के नाक पे रुमाल तो किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिखने में साधारण से दिखने वाला ये प्याज एक बेहतरीन सब्जी और एक बेजोड़ औषधि है। और हाँ, आलू के बाद सबसे ज्यादा खाए जाने वाली सब्जी है प्याज। जितना न्यूट्रिएंट आपको एक फल से नहीं मिलता, उससे कई ज्यादा एक प्याज आपको दे सकता है। सफेद और रूखे बालों के लिए प्याज का रस बहुत ही फायदेमंद होता है। ये आपके बालों को सफेद होने से रोकता है। अगर आपके बाल लंबे करने हैं या फिर आपके बालों का झड़ना आपको रोकना है तो महीने में 2 बार प्याज का रस अपने बालों में जरूर लगाइए। इससे आपके बाल शाइनिंग और मजबूत बनेंगे। अगर मुंह से आने वाली बदबू को छोड़ दे तो प्याज आपके दांतों और मुंह में होने वाले इन्फेक्शन में बहुत फायदेमंद होता है। ये आपके मुंह के खतरनाक जर्म्स को खत्म कर देता है, इसीलिए प्याज को आपके डाइट में जरूर शामिल कीजिए। प्याज में मौजूद फाइटोकेमिकल जिससे सब्जियों और फलों में रंग आता है, नींद बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए जिन लोगों को नींद ना आने की शिकायत हो, उन्हें आज ही से प्याज खाना शुरू कर देना चाहिए। प्याज को आप सलाद के रूप में खा सकते हैं या फिर इसका सूप बनाकर पी सकते हैं। प्याज का रोजाना सेवन मासिक धर्म में होने वाले दर्द को कम कर देता है। वो उन दिनों पेन किलर का काम करता है, इसीलिए पीरियड शुरू होने के 4 से 5 दिन पहले प्याज खाना शुरू कर देना चाहिए। अगर हम प्याज के रस को पानी में उबालकर पिए तो यूरिन संबंधित या पेशाब संबंधित सारी समस्या दूर हो जाती है। जिन लोगों को पथरी की शिकायत होती है, उनके लिए भी प्याज बहुत फायदेमंद है। प्याज का रस सुबह खाली पेट लेने से पथरी कटकर अपने आप यूरिन के रास्ते निकल जाती है। या फिर आप प्याज के रस में चीनी मिलाकर पी सकते हैं, इससे भी पथरी में निजात मिलता है। बच्चे या आप अगर जूस से परेशान हो तो प्याज के रस को 2 से 3 मिनट तक रात में सर पे मालिश करने से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। मधुमेह के रोगियों को खाना खाते समय कच्चा प्याज जरूर खाना चाहिए। यह हमारे शरीर से इंसुलिन लेवल को सामान्य करता है, जिससे डायबिटिक मरीजों को बहुत फायदा पहुंचता है। इसी के साथ प्याज के फायदों पे बना हमारा ये स्पेशल वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह के और देसी सुने अनसुने नुस्खों को जानने के लिए हमारे चैनल इमाम दस्ता को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। इमाम दस्ता चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना। टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।